कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर विच जारी है अते पंजाब विच गर्मी दा मौसम शुरू हो गया है जिसे चलते लोगों ने अपने घरों विच एयर कंडीशनर अते कूलर दा इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिता है। पर लुधियाना दे सिविल सर्जन ने लोगों नूं सलाह दित्ती है कि अधिक ठंडा करन दे नाल वायरस अधिक फैलदा है इसलिए एसी दा इस्तेमाल घट ही करन। अते उन्होंने कहा कि जेकर तुसीं एयर कंडीशनर दा इस्तेमाल करना है तो उसनूं इस्तेमाल करन तों पहला सही तरीके नाल सर्विस कर लेनी चाहीदी है अते फिल्टर नूं भी साफ कर लेना चाहीदा है। उन्होंने कहा कि एसी दा तापमान 24 डिग्री तों 30 डिग्री दे विच ही रख्या जाना चाहीदा है अते बाहर दी हवा अंदर आने के लिए खिड़कियां जरूर होनी चाहिए है क्योंकि जेकर कमरे का तापमान ज्यादा घट हो गया तो वायरस पनप सकता है। जो लोग ने एयर कंडीशनर शुरू करने ने सब तो पहला तो मैं उन्होंने बेनती करूंगा कि अपने एयर कंडीशनर की सर्विस करा ली जाए उन्होंने फिल्टर चंगी तरह साफ करा ले जाए। इस तो अलावा जो भी असी एसी चलाने वो हवा जी अंदर सर्कुलेट होंगी रही है तो बाहर की हवा अंदर नहीं आती। सो मैं सुजैसट करूँगा जिन्होंने अपने एयर कंडीशनर वरतने ने वो खिड़की जां थोड़ा कि दरवाज़ा खुला रहे जिन बाहर की हवा अंदर आ सके और जिहड़ा टैंपरेचर की सैटिंग है वो 24 तो 28 डिग्री जां 30 डिग्री तक रखी जाए बहुत ज़्यादा कूलिंग ना की जाए। तो यह जो फिल्टर होंगे ने ये एसी के वो समय समय सर साफ कर ले जाए। सर जे कोई कूलिंग ज़्यादा करते हैं उन्होंने उन्होंने की प्रॉब्लम आ सकती है? कूलिंग टैंपरेचर हाई टैंपरेचर के तुम्हें पता भी अपने बारे ज़्यादा पनपते हैं इस करके।